नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आपके सामने एक विषय पर्यटन का लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मैं चाहूँगा कि इससे न सिर्फ हमारे पढ़ने वाले बच्चे यानी कि आप लोग ही लाभान्वित न हों, बल्कि आपके घर के अन्य सदस्य भी इस विषय को समझें और इससे होने वाले असंख्य लाभों के बारे में जान पाए। आज के अध्याय में हम पर्यटन की उन बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे जो कि हम लोगों को दैनिक जीवन में, आपस में, चर्चा में, एक दूसरे को डिस्कशन में लाने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए आवश्यक होती हैं। पर्यटन चूंकि एक आम शब्द है, हर कोई पर्यटन के बारे में जानता है। चूंकि पर्यटन हमारे देश में, भारत देश में, कृषि के बाद दूसरा आय का अहम स्रोत हो सकता है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। हमारे जो बच्चे बीए, बीकॉम, बीएससी अन्य विषयों को पढ़ रहे हैं या कोई टेक्निकल एजुकेशन आज ले रहे हैं, उनके लिए भी यह पर्यटन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बारे को जान करके भारत देश में पर्यटन की संभावनाओं को समझते हुए अपना वो ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में इससे संबंधित कई विषय पढ़ाए जाते हैं पर्यटन से संबंधित, जिसमें इस समय BTS है और MTTM विषय इस समय चल रहा है, जिसमें अनेक बच्चे दूरस्थ शिक्षा का लाभ लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उन्हीं बच्चों के लिए उसी क्रम में पहली यूनिट का पहला विषय जो है, पहला टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ टूरिज्म पर लेकर जा रहा हूँ। मैं ज्यादा समय आपका परिचय में न ले जाते हुए सीधे आपको लेकर जाता हूं टॉपिक पर। टॉपिक है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म, पर्यटन क्या होता है। देखिएगा, अगर हम 10 किताबें पढ़ेंगे तो 10 परिभाषाएं उसकी सामने निकल कर आ जाएंगी। यहां पर मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वह यह है, कोई व्यक्ति अपने घर में है, वो घर में रह रहा है, घर में बना हुआ खाना खा रहा है और घर में ही रह रहा है, लेकिन किसी कारण से कोई ऐसी वजह उसके सामने आ जाए जिसकी वजह से उसे अपना बैग या सामान कुछ लेकर के अपने घर से बाहर यात्रा करनी पड़ जाए। वह कारण कुछ भी हो सकता है, उन कारणों के बारे में भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वह कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकला, यहां पर दो बातें होंगी, क्या वह घर से बाहर निकला सैर सपाटा करके वापस अपने घर में आ गया, या वह ओवरनाइट यानी कि कम से कम एक रात्रि विश्राम उसने अपने शहर, अपने घर से बाहर किया हुआ है, तो वह उस स्थान के लिए पर्यटक कहलाएगा और यह जो क्रिया हुई वह पर्यटन की क्रिया हुई। तो वापस आता हूं पर्यटन को, टूरिज्म को समझाने के लिए, जो एक यूनाइटेड नेशंस टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परिभाषा दी गई है। वह यह कहती है, ट्रेवलिंग टू अदर लोकेशंस, अदर का मतलब अवे फ्रॉम होम, फॉर प्लेजर, यानी कि रीजन बताए जा रहे हैं, प्लेजर हो सकता है, प्लेजर को एक्सप्लेन करेंगे, रिक्रिएशन का अर्थ हमने लिखा है, यहां पर कुछ चीजें होती हैं, रिलैक्सेशन, एजुकेशन और भी कई अन्य माध्यम, अन्य कारणों की वजह से यदि व्यक्ति कम से कम 24 घंटे या उससे अधिक समय के लिए घर से बाहर रहता है तो वह पर्यटक है और इस क्रिया को पर्यटन कहते हैं। मैं यहां पर एक चीज और बता दूं आपको बच्चों, ये जो रिक्रिएशन शब्द है आपके सामने आने वाले वर्षों में बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। अब रिक्रिएशन क्या है, ये वे क्रियाएं होती है रिक्रिएशन की जो आदमी अपने रूटीन टास्क, अर्थात चाइना में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली में आया है तो क्यों आया है, हो सकता है उसका व्यवसाय होगा या उसको कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी या कोई मीटिंग अटेंड करनी होगी, वो इस कारण से आया हुआ है। परंतु एक व्यक्ति जो घर से निकला है कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए, यानी मान लो ऋषिकेश में आ गया रिवर राफ्टिंग करने, या हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी में वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, या कोई अन्य कारण से जो कि उसके लेजर एक्टिविटीज से हटकर है, अर्थात वो ऐसी चीज को, वो इसी ऐसी चीज को लीड कर रहा है जो एक रूटीन व्यक्ति के टूरिज्म को डिनोट न करते हुए ऐसी चीज को डिनोट कर रहा है जो व्यक्ति के शौक को जाहिर करता है, दैट इज रिक्रिएशन। अवे फ्रॉम दैट आई वुड एक्सप्लेन प्लेजर, प्लेजर इज फॉर एंटरटेनमेंट। ज्यादातर लोग घर से निकलते हैं अपने परिवार को लेकर के गर्मियों के समय में घूमने पहाड़ों को, दैट इज लेजर, उसका कोई कारण नहीं था, लेजर, घर में है, बोर हो गए किसी कारण से, दे नीड सम चेंज, रिफ्रेशमेंट ऑफ लाइफ, सो दैट इज प्लेजर। इससे भी बड़ा कारण बता रहा हूं बच्चों,
समय पहले वर्षों पहले हमने देखा था कि जब ये हमारी सभ्यता जिसके बारे में हम आज रिसर्च करते हैं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की बात कर लेते हैं या सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं, तो हमारे जितने भी अन्य अन्य देशों की कॉन्टिनेंट की खोज की बात करते हैं, तो महान यात्री जो जिनकी किताबों में हम पढ़ते हैं, फायान है, वेंगसांग है, ये भी पर्यटक थे जिन्होंने लंबे समय तक यात्राएं की, महीनों महीनों वर्षों वर्षों तक इन्होंने देश छोड़ा और बाहर रहे। तो पहला उदाहरण पर्यटक को समझना और पर्यटन को समझने के लिए यही काफी होगा। तो इसका कारण था एक्सप्लोरेशन, लोग निकले एक्सप्लोर करने, यानी कि डिस्कवर करने, दुनिया को खोजने, समझ लीजिए दुनिया के लोगों को, सभ्यताओं को जानने के लिए भी एक कारण था लोगों का बाहर निकलना। थोड़ा सा परिभाषा को मैंने ज्यादा विस्तारित कर दिया है, इसके बाद में इसके टाइप्स को लेके जा रहा हूं। टाइप्स की अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की टाइप्स हमको समझ में आते हैं। एक पर्यटक जो देश के अंदर होगा वह होगा इनबाउंड टूरिज्म, और अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का आदमी दूसरे देश में चले जाएगा तो वो होगा आउटबाउंड टूरिज्म, और अगर दूसरे देश का आदमी हमारे देश में आएगा तो इनबाउंड टूरिज्म कहलाएगा। डोमेस्टिक टूरिज्म अपने देश के अंदर, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, इनबाउंड टूरिज्म। और कोई व्यक्ति बाहर से अपने देश में, दुबई का आदमी इंडिया घूमने आ रहा है, दैट इज इनबाउंड। एंड आउटबाउंड, हमारे देश का आदमी मलेशिया घूमने जाता है, दैट इज आउटबाउंड। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में आपको इसको बताया गया है, आपके डाउट्स होते हैं आगे धीरे धीरे वे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट एलिमेंट्स, क्योंकि हम क्रम क्रम से पढ़ रहे हैं, हमको जल्दी नहीं कर रही है, हमको यह समझना है कि टूरिज्म के बेसिक, हमने टूरिज्म की परिभाषा पढ़ी, टूरिस्ट कौन है समझा, उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स का मतलब वे कौन से कारक है, तत्व है जो इसको टूरिज्म यानी कि एक परिभाषा में ढालते हैं। देखिए, मैंने कहा कि आदमी का घर से निकलना उसको पर्यटक बना देता है, तो उसका पहला तत्व टूरिज्म का है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का हिंदी में मतलब होता है रहन, मतलब शेल्टर, घर, जहां पर आदमी एक रात बिताने के लिए कम से कम उसको एक घर चाहिए होता है, तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। घर से निकलने की पहली आवश्यकता है घर। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ होता है यात्रा किस चीज में करेगा, यात्रा और यात्री ये एक ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यात्री तब यात्री बन पाता है जब उसकी यात्रा सुगम हो। सुगम कैसे होगी, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सरफेस ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कार से, बस से, ट्रेन से, इत्यादि जो सरफेस में चलते हैं, दीज आर कॉल्ड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इसमें आ सकता है। लोग लंबी दूरियां कम समय में आज जो कर पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज फूड एंड बेवरेज। जब व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो ये मान के चलिएगा दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर फूड एंड बेवरेज। बेवरेज का मतलब किसी भी प्रकार का पेय, ये हमारे नितांत आवश्यक चीज है, तो एलिमेंट्स में यह भी बहुमूल्य तत्व तो इसका गिना जाएगा। अब आता है अट्रैक्शन। चौथे नंबर पर हमने अट्रैक्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये चौथे नंबर पर आया है, इसका एक कारण वह यह है कि अट्रैक्शन जो है एलिमेंट्स में किस वजह से गया। अब यहां पर कारण पैदा होता है कि व्यक्ति गया क्यों, कि वहां रहने गया था, नहीं, क्या वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इसलिए कि मैं वहां पहुंच जाऊं उस जगह पर, नहीं, खाना और पीना खाने के लिए, यह एक कारण हो सकता है। अट्रैक्शन का अर्थ है किसी व्यक्ति का उस स्थान को एक्सप्लोर करने के पीछे कारण क्या था। देन एमिनिटीज एंड एक्टिविटीज, वह स्थान किस वजह से पॉपुलर है, वह स्थान किस वजह से पॉपुलर है, वहां की खूबियां क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एमिनिटीज का अर्थ है जहां पर वह रह रहा है वहां पर वो क्या सुविधाएं वहां पर से ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उस जगह पर उसके पसंद का खाना मिल रहा है, दैट इज एन एमिनिटी। क्या उस जगह पर रहने के लिए उसको एलिवेटर या अन्य सुविधाएं मिल रही है, दैट इज एन एमिनिटी। तमाम चीजें जुड़ करके एमिनिटीज बनती है जो उसको घर का जैसा माहौल घर से बाहर प्राप्त हो पाता है। एक्टिविटीज, जैसे वहां पर जाकर के वो रॉक क्लाइंबिंग कर पाए, किसी अनुष्ठान में शामिल हो पाए, या वो वहां पर जाकर के उस जगह की विशेष वस्तु जो भी है उसका आनंद ले, जैसे संस्कृति फॉर एग्जाम्पल है वहां की, उसका वो लुत्फ उठा पाए, दैट कम्स अंडर एक्टिविटी। दीज आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म। बेसिक की बात हो रही है, यूनिट टू या आगे जब हम पढ़ते रहेंगे आप लोगों के साथ मिल करके, तो एंड वी विल कम टू नो मोर अबाउट टूरिज्म एंड इट्स फैक्टर्स। नाउ छोटा सा एक अध्याय और बचता है यहाँ पर, वो है टूरिस्ट कौन है और एक्सकर्शनिस्ट कौन है। काफी दफे बच्चों में यह हमने देखा है कि बच्चे एक थोड़ा
थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है, वह यह कि टूरिस्ट कौन किसको कहेंगे और एक्सकर्शनिस्ट किसको बोलते हैं। टूरिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति यहाँ पर 24 घंटे को आपको लेके चलना है। किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको मोर का अर्थ लगभग इसको किसी किताब में आपको 6 महीने का स्टे या किसी किताब में 1 साल तक का आदमी का घर से बाहर रहना टूरिस्ट की परिभाषा में आता है। आज की परिभाषा जो आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी को बता रहे हैं व्हाट इज हु इज अ टूरिस्ट, आप कहेंगे द टर्म टूरिस्ट रिफर्स टू द विजिटर, एक ऐसा विजिटर जो अपने घर से किसी डेस्टिनेशन पर रहने के लिए कम 24 घंटे के लिए घर से बाहर है। 24 घंटे ही क्यों कहा? क्योंकि 24 घंटे में 12 दिन के घंटे और 12 घंटे रात के जोड़े हैं, तो उसमें कम से कम एक नाइट आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति सुबह 6 बजे घर से निकलता है तो दूसरे दिन 6 बजे 24 घंटे होंगे, दैट मीन्स एक नाइट उसने बाहर स्पेंड की है अवे फ्रॉम होम। नेक्स्ट एक्सकर्शनिस्ट, यह वह व्यक्ति है 24 घंटे से कम के लिए जो कोई व्यक्ति सफर यात्रा करता है, उसका कारण हो सकता है एक सिटी से दूसरे सिटी में गया, काम करके वापस आ गया, वह टूरिस्ट में काउंट नहीं होगा। टूरिस्ट का एक अर्थ और भी है बच्चों, किसको टूरिस्ट कहेंगे यहां पर? जब भी व्यक्ति घर से बाहर निकल गया तो बाहर रहने के लिए अगर वो रिलेटिव से के वहां रह रहा है तब भी वो टूरिस्ट में कैलकुलेशन में नहीं आएगा, की गणना में नहीं आएगा। लेकिन टूरिस्ट की गणना में तभी आएगा जब वहां जाकर के अपने रहने खाने और अन्य सुविधाओं को लेने के लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी जिस जगह पर वो गया है वहां पर के लोगों के लिए, वहां पर के स्थान वासियों के लिए आय के संसाधन उपलब्ध इन स्रोतों से हो सकते हैं। आज के अध्याय में मैं आपको लेके चलता हूं एक और छोटी सी यात्रा में, दैट इज अबाउट फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से कहा स्टूडेंट्स कि जो टूरिज्म है वह 3 प्रकार का है, डोमेस्टिक, इनबाउंड और आउटबाउंड। यह समझना बहुत आसान था। यहां पर इसी के कुछ अलग से और गहराई में कुछ तत्व निकाल कर लाए गए हैं जो आपको जानना जरूरी है, वो है फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म। मैं इसमें सबसे पहले लेके आऊं कल्चरल टूरिज्म। यह समझना आपके लिए आसान होगा इस तरह से कि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है या हम अपने देश में रह रहे हैं और विदेश के लोगों की सभ्यता, उनकी संस्कृति को जानने के लिए अपने घर से निकल पड़े और वहां रहे, 10-15 दिन में आए, कुछ नया देख करके आए, या विदेश का कोई व्यक्ति हमारे देश में आए, वह गुजराती खान पान, गुजराती सभ्यता, राजस्थानी सभ्यता के बारे में देख रहा है, शरीक हो रहा है, या हम यहां से गल्फ देशों में चले गए, अरबी सभ्यता के बारे में देख रहे हैं कि लोग कैसे बैठे हुए हैं, कैसे कालीनों में बैठे हुए खाना सर्व हो रहा है, उनकी सभ्यता बिल्कुल अलग है हमसे, तो जो उत्सुकता है हमारी उसने एक टूरिज्म को जन्म दिया, उसका नाम है कल्चरल टूरिज्म। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम एडवेंचरस टूरिज्म। यह भी जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, एडवेंचरस टूरिज्म इन्वॉल्व स्वयं पीपल टेक सम रिस्क अलोंग विद टूरिज्म, दैट मीन्स रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, बहुत ऐसी एक्टिविटीज इसमें आ जाती है एडवेंचरस टूरिज्म में। ये नया है, ये बहुत पुराना भी नहीं है स्टूडेंट्स, में जोड़ना चाहूंगा। पहले व्यक्ति लेजर एक्टिविटीज करता था, रिलीजियस पर्पस से घर से बाहर निकलता था, अधिक से अधिक वह कल्चरल टूरिज्म के वजह से घर से बाहर निकलता था, लेकिन आज इसका बड़ा योगदान है। पूरी टूरिज्म में 50% योगदान एडवेंचरस टूरिज्म का है। आज हमारे उत्तराखंड के ऋषिकेश में अगर आप देखेंगे, औली में आप देखेंगे, तो वर्ष के 12 महीनों में लोग वहां पर एडवेंचरस एक्टिविटीज करने को आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में कई सारे रोजगार के अवसर इन्हीं वजह से प्राप्त हो रहे हैं। आगे एग्री टूरिज्म, यह भी बहुत पुराना नहीं है लेकिन इसकी डिटेल में जाने के लिए हम अगले अध्याय में जाएंगे। एग्री टूरिज्म का अर्थ एक प्रकार से लगभग विलेज टूरिज्म का से मिलता जुलता है, परंतु एग्री टूरिज्म का अर्थ है किसी जगह पर उसकी भौगोलिक परिस्थिति, वहां के वातावरण की वजह से, उस स्थान में होने वाले फसल, सब्जियां, फल की वजह से जो अट्रैक्शन बना होता है और उसको देखने के लिए यदि लोग दूर दराज से आए आपके पास, तो उस जगह पर होने वाले टूरिज्म को हम एग्री टूरिज्म कहते हैं। एग्री टूरिज्म हम अगर नजदीकी उदाहरण दें तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ में
एप्पल का एक बाग, जो ये अच्छे क्वालिटी के एप्पल का उन्होंने बाग बनाया और उसमें उसको सोशल मीडिया में उन्होंने प्रचारित करा, तो उसको देखने के लिए विदेशों से नागरिक आकर के अपनी फोटोग्राफ, अपनी सेल्फी लेना और उसको तोड़ना, उसके बारे में समझने के लिए चले आए। तो उस जगह में गर्मी के सीजन में रामगढ़ के उस क्षेत्र में मुक्तेश्वर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एग्री टूरिज्म। चाय का उत्पादन भी इसी का उदाहरण है, एग्री टूरिज्म का। अगर उत्तराखंड में की बात करें, कौसानी इज वन ऑफ द हॉटस्पॉट, देन नेक्स्ट भवाली, देन उसके अलावा भी कई हेक्टेयर एरिया में एग्री टूरिज्म उत्तराखंड में पॉपुलर हो रहा है। आसाम ऑलरेडी बहुत अपना स्थान इसमें बना चुका है। बात करते हैं इको टूरिज्म की। इको टूरिज्म आज अपने आप में बड़ा स्थान रखता है, न सिर्फ विदेशों में बल्कि भारत देश में। भारत सरकार भी इको टूरिज्म के लिए आज इस पर काम करना शुरू कर दी है। इको टूरिज्म स्टूडेंट्स, इको टूरिज्म ऐसा टूरिज्म है जिसमें हम उस जगह की पारिस्थितिकी तंत्र को, उस तरह के उस जगह के वातावरण को, एनवायरनमेंट को बिना डिस्टर्ब करे किसी प्रकार की एक्टिविटी वहां पर करते हैं, दैट कम्स अंडर इको टूरिज्म। जैसे आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते जरूर हैं, लेकिन चकाचौंध में खो जाते हैं, डीजे बजाते हैं, म्यूजिक हाई करते हैं और गाड़ियों को जंगलों में लेकर जाते हैं, तो वहां के वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी को डिस्टर्ब होता है। तो इको टूरिज्म इस चीज को डिनाई करते हुए प्रमोट करता है उन एक्टिविटीज को जो कि वहां की वाइल्ड लाइफ को और वहां के जो नेचुरल नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल जो भी चीजें हैं वहां पर की, जंगल्स हैं, ट्रीज हैं, तो उनको डिस्टर्ब करे बगैर हम टूरिज्म करते, घूमते फिरते हैं। जैसे फोटोग्राफी करना या जंगल सफारी करना, पूरे नियमों के आधार पर वहां पर पालन करते हुए हम जब काम करते हैं, तो दैट कम्स अंडर इको टूरिज्म। अब वहां पर एक चीज और, इको टूरिज्म बड़ा टॉपिक है, इस पर इतनी मोटी किताब पढ़ी जा सकती है, समझा जा सकता है। आज हम छोटे में समझ रहे हैं, सिर्फ परिभाषा समझ रहे हैं। हो सकता है ये चीज अभी रिपीट हो आपके सामने। आगे को पढ़ते हैं, मेडिकल टूरिज्म। आज सिर्फ हम फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म पढ़ रहे हैं कि टूरिज्म क्या था, टूरिज्म के एलिमेंट्स क्या थे और उसके फॉर्म्स क्या है, यानी कि रूप क्या है। मेडिकल टूरिज्म, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए समझते होंगे कि हमारे देश में जब मेडिकल बहुत अधिक प्रोग्रेस नहीं कर सकता था, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स नहीं थे, बहुत अच्छी मशीनरीज नहीं थी, तो हमारे देश के जो कैपेबल लोग थे वो मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए दूसरे देशों में जाते थे, लाइक यूरोप और अमेरिका, हार्ट का सर्जरी कराने के लिए या इन चीजों के लिए बाहर पहुंच जाते थे। लेकिन साथियों, मेडिकल टूरिज्म आज हमारा देश योगा में, दुनिया में अपना नाम एक ऐसा रखता है जो कि देश विदेश के लोग, हमारे देश हजारों की संख्या में एक ऐसा टूरिज्म को जन्म दिया हुआ है कि कितना हमारा जो पैसा है, आय जो है, इको टूरिज्म हमारा मेडिकल टूरिज्म से हमें आज उपलब्ध हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार इज हब ऑफ योगा, आउट ऑफ द अवे फ्रॉम दैट हम ऋषिकेश को ये कर ले लें, वहां पर योगा का। अब हम बात करेंगे मेडिकल टूरिज्म के बारे में। आप में से कई लोगों को पहले से मेडिकल टूरिज्म के बारे में जानकारी होगी भी और होनी भी चाहिए। जैसे कि हमारा देश आज मेडिकल की सुविधाओं से लैस है, हमें आज मजबूरी नहीं है कि बड़े बड़े ऑपरेशन करने या अपना स्वास्थ्य को चेक कराने, जांचें कराने के लिए पहले जैसी मजबूरी थी कि विदेश जाना पड़ता था, हजारों लाखों खर्च करने पड़ते थे। आज हमारे देश ने योगा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया हुआ है कि पूरी दुनिया से लोग हमारे देश में पर्यटक बनकर आ रहे हैं और हजारों पैसे खर्च करके यहाँ दिन बिता रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। इसका लोहा मानते हैं लोग हमारे, तो हमारे देश में इको टूरिज्म में भी आज एक बड़ा स्कोप है, बड़ा हमारा करियर है। कई सारे लोग इस पर आज काम शुरू करें तो उनका भविष्य भी सुनहरा हो सकता है। मेडिकल टूरिज्म में आप में से कोई व्यक्ति अगर चाहे तो अलग से इसका अध्ययन कर सकता है, अलग से पढ़ाई कर सकता है और आने वाले वर्षों में अपना इसमें भविष्य बना सकता है, करियर बना सकता है। रूरल टूरिज्म, रूरल का हिंदी मतलब होता है ग्रामीण पर्यटन। ग्रामीण पर्यटन स्टूडेंट्स इस चीज को इंगित करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में कभी रहा नहीं, लेकिन उसके मन में
एक बात है कि मैं गांव के माहौल को देखूं, वहां की जीवन शैली को देखूं, वहां के लोगों के रहन सहन को देखूं, वहां के लोगों का स्तर देखूं, किस प्रकार से वे जीवन यापन करते हैं, इसको यदि मैं समझना चाहूंगा तो मुझे अपने घर से निकल करके उस गांव में जाना होगा जहां पर मैं इच्छा रखता हूं जाने की, और मुझे वहां पर जाकर के अपना समय बिताना होगा, वहां पर लोगों के साथ रहना होगा, उनके साथ खाना खाना होगा, उनके खेतों में जाना होगा, उनके रोजमर्रा के क्रियाकलापों में जो हस्तक्षेप या फिर मैं सीखूंगा, जो देखूंगा, वह कहलाएगा रूरल टूरिज्म। आज रूरल टूरिज्म बहुत विख्यात हो रहा है, हमारे देश से अधिक विदेशों में भी लोग, कृषि प्रधान जो देश है, अमेरिका के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी वहां पर लोग जो वास्ट एग्रीकल्चर करते हैं, वहां पर भी लोग समझना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में किस प्रकार से हम अच्छा सीख सकते हैं, कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। लोग इनपुट्स देते भी हैं, लेते भी हैं, आउटपुट देते भी हैं, यानी कि दो तरफा है। जिसको कृषि के विषय में ज्ञान है, वह जिसको ज्ञान नहीं है उसको कुछ बताएगा, और जिसको ज्ञान नहीं है वो सीखेगा। ये दोनों तरफ, दोनों पार्टीज के लिए बहुत अच्छा एक इसमें क्षेत्र है ये। नेक्स्ट इज रिलीजियस टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो बहुत पुराने समय से हम समझते हैं कि लोगों ने, हम बात करना चाहेंगे जब हमारा बौद्ध धर्म या जैन धर्म या अन्य धर्म जितने हैं उनके बारे में लोगों ने प्रचार प्रसार हेतु अपने अनुयायियों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना शुरू करा। अशोका द ग्रेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने भी अपने बेटे और बेटी को अपने देश से दूसरे देश में अब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर भेजा था, तो साथ ही उनके कई सैकड़ों लोग भी गए होंगे प्रचार प्रसार करने। तो इस प्रकार की क्रिया जो कि किसी धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तो की जाती है, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस टूरिज्म, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस टूरिज्म। देन नेक्स्ट इज स्पेस टूरिज्म। ये एकदम नया है और इसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। बिफोर आई एक्सप्लेन इट, आई वुड से इफ एनीबडी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट, आप लोगों ने स्पेस टूरिज्म के बारे में अलग से किताब या अध्ययन करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि एलन मस्क, इनका नाम सुना होगा आपने, तो ये एक आए दिन सोशल मीडिया में या न्यूज़पेपर में इनकी तरफ से कुछ ना कुछ कोट आ रहे हैं, वे कहीं ना कहीं नई क्रांति की तरफ को लेकर जा रहे हैं। तो वह यही है स्पेस टूरिज्म। आज स्पेस टूरिज्म लिमिटेड कहां तक है? लिमिटेड यहां तक है कि यदि मैं एस्ट्रोनॉट या स्पेस या उसमें जुड़ने वाले टूल्स के बारे में जानना चाहता हूं तो मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे रॉकेट लॉन्चर के बारे में जानना है, मुझे देखना है, यदि लैंडर क्या होता है उसको समझना है मुझे, तो मैं वहां जाऊंगा, उसके बारे में देखूंगा, कुछ पूछूंगा और फिर चला आऊंगा। तो ये उन्हीं विशेष जगहों पर है, किन्हीं किन्हीं जगहों पर मुझे वहां जाना, दैट इज कॉल्ड स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म का एरिया भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, जरूरी होगा कि इसको टूरिज्म के एक बड़े हिस्से के रूप में लेकर के आप में से कोई विद्यार्थी अलग से इसका अध्ययन कर सकता है। तो देन नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स टूरिज्म। टूरिज्म जैसा कि मैंने बताया घर से निकलना, स्पोर्ट्स टूरिज्म आदमी का घर से निकलना स्पोर्ट्स के कारण, स्पोर्ट्स का मतलब खेल में अपनी रुचि होना, उसको सीधा देखना या हिस्सा लेना, हिस्सा लेना भी स्पोर्ट्स टूरिज्म का हिस्सा है। जैसे F1 रेस है, हमारे देश में F1 रेस यहां पर नोएडा में हुई थी, तो लोग देश विदेश से पूरा अपना सामान लेकर के यहाँ बैठे रहे, महीनों तक तैयारियां की गई, पूरा एरिया को डेवलप कर दिया गया और हजारों की संख्या में लोग आकर के यहाँ पर रहे, होटल्स में जगह नहीं बची थी लोगों को अकोमोडेट कराने के लिए। दैट इज वास्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स टूरिज्म, इवन टूरिज्म। द नेक्स्ट इज फीफा वर्ल्ड कप, जहां चलता है लोग बड़े लंबे लंबे समय से टिकट लेकर के और रूम लेकर के वहां पर रहते थे, पीपल आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, या हॉकी कहीं चल रही है, या IPL चल रहे हैं, या वर्ल्ड कप चल रहा है, या अन्य स्पोर्ट्स कोई चल रहा है, तो आप नहीं, मैं नहीं, तो कोई तो है, 100 में से अगर 5 लोग भी हैं, इफ दे वांट टू ट्रेवल दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ वॉचिंग लाइव मैच, तो वे लोग वहां पर जाते हैं यदि, तो दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स टूरिज्म। देन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, यह जैसा कि नाम से पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखना समझना इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। दैट मीन कि किसी विशेष जगह पर रिजर्व की जाने वाली वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना, फॉर एग्जाम्पल टाइगर रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट रिजर्व, फॉर एग्जाम्पल राइनो रिजर्व, उन जगहों पर जाना है। जैसे हमारे देश में बहुत
पॉपुलर वाइल्ड लाइफ से हैं, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल दैट सुंदरवन वेस्ट बंगाल, देन कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये बहुत पॉपुलर है, काफी हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं। यहाँ पर जाना मीन्स एक अलग सा अनुभव लेकर के आना, ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म वी कैन से। और आज आप या आपके फैमिली के मेंबर कोई प्लान करते होंगे कि चलिए घूम के आते हैं कहाँ, तो पहला या दूसरा कारण आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को घूमना जाना हो सकता है आज। द नेक्स्ट इज ये जो आगे के हैं, ये जो तीन हैं मैं बताना चाहूंगा, जो तीन लिखे हुए हैं यहां पर के, पहला है डार्क टूरिज्म, दूसरा नाम इसका ब्लैक टूरिज्म भी है, नेक्स्ट इज रिवेंज टूरिज्म एंड थर्ड इज वर्चुअल टूरिज्म। ये तीन और वे सब, ये तीन और जो पहले के बताए हुए सब, ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग मायने रखते हैं और आप लोगों को अपनी अब जानने की इच्छा और बढ़ा देनी चाहिए कि ये तीन चीज क्या है। स्टूडेंट्स ये आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए, आपके ज्ञान के लिए ये जरूरी है, 2 मिनट का समय और देंगे मुझे आप, मैं यहां पर इसको कंक्लूड करना चाहूंगा। व्हाट इज डार्क टूरिज्म? देखो डार्क टूरिज्म एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो चीज है जब हमारे इतिहास में आज से पहले किसी जगह पर ऐसी घटना घटित हुई है जो कि एक काला दिन बन के रह गया, समझ लीजिए वह दिन, हम आज याद करते हैं उस दुख के क्षण में, वहां पर अपने दुख को दिखाने के लिए कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, वहां पर जाते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं, कैंडल जलाते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं वहां पर जाकर, कहीं पर शहीदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए, हमारे सामने जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वहां पर लोगों का एकत्रित होना, वह एक ऐसी घटना थी इतिहास में जिसको आज लोग भुला नहीं पाए, तो दैट टूरिज्म जिस वजह से लोग उन जगहों पर गए और वहां पर उन लोगों ने उस जगह का रहना वहां पर करना है, खाना वहां खाना है, तो टूरिज्म हुआ, पीपल वेंट टू दैट प्लेस एक्चुअली फॉरवर्ड टू सी दोस प्लेसेस जहां एक घटना हुई है, वो इतिहास है हमारा, तो दैट इज डार्क टूरिज्म या ब्लैक टूरिज्म भी उसको कहते हैं। देन झांसी का किला, सबको पता है झांसी की रानी आखिरी दम तक अंग्रेजों से लड़ती रही थी और उसने लड़ते लड़ते उसने अपने घोड़े से जंप मारा था और कई बातें थी, तो उन जगहों को लाइव वहां पर देखना एक आदमी का टूरिज्म का कारण हो सकता है, घर से बाहर निकलने का एक कारण हो सकता है। ये तीन चीजों पर भी आपको हमको और अधिक फोकस करना है आने वाले दिनों के लिए। देन नेक्स्ट इज रिवेंज टूरिज्म, बड़ा अटपटा सा नाम है और अटपटा ही इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा भी, रिवेंज टूरिज्म हिंदी मतलब बदला, कैसा बदला? देखिए मैंने इसके लिए एग्जांपल लिखा हुआ, आफ्टर कोविड जो हमारा टूरिज्म हुआ था, मैं बताना चाहूंगा 2020-21 और इस दौरान हम सब लोग कोविड के इफेक्ट से अपने घरों में लॉक थे, देन व्हाट हैपेंड कि अल्टीमेटली सम गवर्नमेंट गाइडेंस आई, थोड़ा उसमें रिलीफ मिला, तो अगर आप पुराने अखबारों या मीडिया को टटोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश शिमला की फोटो आई थी, एक स्काई व्यू आया था कि पूरी सड़क किलोमीटर्स की सड़क में कार लगी हुई, गाड़ियां लगी हुई और हजारों की संख्या में गाड़ियां वहां पहुंच गई थी कि एज सून एज पीपल गेट टाइम टू गो अवे फ्रॉम होम दे स्टार्ट देयर कार्स एंड दे वेंट टू दैट प्लेस, मींस जिस वजह से 2 सालों से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए उस वजह को ही जवाब देने के लिए लोग वहां पहुंच गए, कि थोड़ा तो कारण ये भी था कि लोग बोर हो रहे थे घर में, देयर वॉज नो मोर एंटरटेनमेंट लेफ्ट बिहाइंड, तो दे जस्ट वॉन्टेड टू रिफ्रेश देमसेल्फ, देन दे वेंट आउट ऑफ द होम एंड दिस काइंड ऑफ टूरिज्म विच शोज द रिवेंज अगेंस्ट दैट डिजास्टर इज कॉल्ड टूरिज्म, दैट रिवेंज टूरिज्म नया है, डीप स्टडी की जा सकती है इसके बारे में। देन नेक्स्ट इज वर्चुअल टूरिज्म, वर्चुअल टूरिज्म ये तो नया ही है, ये भी कब से, जब से रील्स बनना शुरू हुई है, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं और घर बैठे बैठे मैं दुबई देख रहा हूं, दैट इज वर्चुअल टूरिज्म, दैट कैन बी लाइव समटाइम्स और समटाइम्स रिकॉर्डेड इन मोड ऑल्सो, सो दैट इज वर्चुअल टूरिज्म, यानी कि यहां पर बैठे रहना और दूर दराज किन्हीं मल्टीमीडिया माध्यम के द्वारा, मीडिया के माध्यम से, डिजिटल टूल्स की हेल्प से दूसरी जगह को देखना, एक्सप्लोर करना इज कॉल्ड वर्चुअल टूरिज्म। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा फास्ट था, थोड़ा सा नया था कोई चीज, उनको आप नोट कीजिएगा, देन वी कैन डिस्कस अबाउट इट वंस अगेन, एंड ये यूनिट 1 यानी कि वी हैव स्टार्टेड इट बाय टुडे, वी विल गो अहेड विद यूनिट 2 आल्सो, इन विच वी विल नो मोर अबाउट टूरिज्म आल्सो।
इसके दो कारण हैं, जैसा कि टूरिज्म जो है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है टूरिज्म का, किस चीज में, रोजगार जनरेट करने में, तो इसलिए हम इस पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। ये जो आज जितने टॉपिक आपको बताए, यू कैन गो टू गूगल एंड चेक मोर अबाउट इट। थैंक यू सो मच।